कैसे हैं आप सब लोग। किचन विद डॉरीन में मैं हूं आपके साथ। और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही मज़े की बनती है और रमज़ान स्पेशल है, तो इसको रमज़ान में बनाएं, एंजॉय करें। और वैसे नॉर्मल डेज में भी बना सकते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूं पिज़्ज़ा कटलेट। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो आपको नज़र ही आ रही होंगी, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे कटलेट की तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इन्ग्रीडियंट के इसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 1/2 kg आलू, और मैंने इनको बॉईल करके जो है वो मैश कर लिया है। इसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला है। यहाँ पे मैंने ली है मोज़रेला चीज़, तो ये मैंने ली है 1 कप है ये, तो आप इसे थोड़ी कम भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ली है बॉयल चिकन, तो इसको जो है मैंने सिंपली जिस तरह बॉयल करते हैं उस तरह बॉयल करके शॉर्ट कर लिया है, और ये मैंने ली है 1 कप। और यहाँ पे मेरे पास है ये पिज़्ज़ा सॉस, ये मैंने ली है 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप इसमें केचप भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ली है ये छोटी सी, एक मेरे पास प्याज थी वो ले ली है मैंने, और इसको ऑमलेट कट कर लिया है। और उसके साथ यहाँ पे मैंने ली है बेल पेपर, अगर आपके पास बेल पेपर ना हो तो आप टमाटो भी ले सकते हैं और उसके सीड्स निकाल दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने लिए है ओरिगैनो 1 टीस्पून, हसब ज़रूरत जाएगा इसके अंदर नमक। और यहाँ पे मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून ली है मैंने यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल, और मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, आप नॉर्मल भी डाल सकते हैं। तो इसके अंदर डाल दूँगी मैं ये चिकन, और फ्लेम को कर दूँगी मीडियम। बस इसके अंदर सारी चीज़ें हमने डाल देनी है, और इसको बस 2 मिनट के लिए हमने कुक कर लेना है, ताकि ये जो मैंने बॉयल चिकन की है इसमें जो एक स्मेल सी होती है वो निकल जाए। तो इसके साथ ही मैं डालूँगी इसके अंदर नमक, आधा नमक डालूँगी मैं, और आधा रख लूँगी आलूओं के लिए। ओरिगैनो डाल दूँगी सारा, और यहाँ पर जो मैंने ये वेजिटेबल्स ली थी ये डाल दूँगी, और इसको करेंगे मिक्स। तो ये देखें इसके अंदर मैंने कुटी हुई काली मिर्च और जो लाल मिर्च थी वो भी डाल दी है। इसको थोड़ा सा चलाएंगे हम, और जब इसको ज़रा ये सब चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएंगी, कंबाइंड हो जाएंगी, 1 मिनट में ही हो जाएंगी, तो इसके अंदर हम डाल देंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो मैं इसके अंदर डालती हूँ पिज़्ज़ा सॉस। तो ये देखिए मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाल दी है, और अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस डालें। अगर आपके पास केचप भी नहीं है तो आपने सिर्फ क्या करना है, 2 टमाटर लेकर उसको ब्लेंडर में डाल के उसका बिल्कुल पेस्ट बना लेना है, और उसको फ्राई पैन में डाल के उसका जो जितना भी वाटर वगैरह होगा उसको रिड्यूस करना है, तो वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं हम। बस ये रेडी हो गया है, इसको मैं निकाल लूँगी एक बोल में और ठंडा कर लूँगी। तो अब हम करेंगे आलूओं को रेडी। तो इसके अंदर मैं डालूंगी ये जो मैंने बचा ली थी कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च, साथ ही मैं डालूंगी इसके अंदर ये नमक, और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। तो ये देखें इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसके अंदर स्पाइसेस को। और यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा, ये मैंने लिया है 4 टेबल स्पून के बराबर है ये कोटिंग की चीज़ें हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 अदर अंडा, और हसब ज़रूरत जाएंगे इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब, ये मैंने अभी अभी ही बनाए हैं, ये बिल्कुल फ्रेश हैं। तो एग को मैं थोड़ा सा फेंट लूँगी, और इसके अंदर 2-3 अंडे भी लग सकते हैं अगर ज़्यादा है आपके पास, तो मैं थोड़े कम बना रही हूँ, तो मैं 1 अंडा लिया है अभी मैंने। इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा मिल्क, बस ये रेडी हो गया है। तो अब मैं बनाऊँगी इसके, तो ये देखें इस मैंने इस तरीके से जो है ये ले लिया है आलूओं का मिक्सचर। अब इसको मैं थोड़ा हाथ से इस तरीके से करूँगी, और पहले रखूँगी मैं थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ इसके अंदर। तो सबसे पहले रखी मैंने चीज़, उसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर ये फिलिंग जो मैंने बनाई है इस तरह से, और थोड़ी सी चीज़ और डालूँगी ऊपर,
इस तरह से, और इसको जो है दबा के हल्के हाथ से हमने इस तरीके से इसको बंद करना है। तो ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से इसको इस तरीके से दबा दबा के इसको मैंने बंद कर दिया है चारों तरफ से। अगर आपको लगे कि यहाँ पे थोड़ा कम है तो थोड़ा सा बैटर लेके इस पे और लगा सकते हैं। तो ये तैयार हो गया है, तो इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी। तो ये देखिए ये मैंने चार बना लिए हैं। तो अब मैं इसको करूँगी कोटे। तो सबसे पहले मैं इस पर लगाऊँगी मैदा। मैदे के बाद हम लगाएंगे इसके अंदर अंडा। उसके बाद हम लगाएंगे इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब। तो दोनों हाथों को जो है वो हम एक साथ नहीं करेंगे, एक को रखेंगे गीला और एक को सूखा, ताकि सारे ब्रेड क्रम्ब ख़राब ना हों। बस इस तरीके से इसको लगा लेंगे। ये अभी बनाएं तो ये काफ़ी फ्रेश है। तो ये देखें इस तरीके से हम सारे बना लेंगे। तो ये देखिए ये चारों मैंने तैयार कर लिए हैं। तो अब मैं इसको डालूंगी ऑयल के अंदर, और ऑयल मैंने गरम कर लिया है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैंने इसका जो चूल्हा है वो बंद कर दिया है। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर ये कटलेट। मैदे लगाने से जो है ये अच्छे से जो है बिल्कुल इसकी कोटिंग हो जाती है, तो मैदा ज़रूर लगाएं। तो बस इसमें मैं तीन ही डालूंगी अभी, और जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर इसका सही होता है तो फिर मैं इसका चूल्हा ऑन कर दियो। तो ये देखें इसको मैंने जो है पलट दिया है, और ये बहुत ही जल्दी से बन जाएंगे क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी कुक्ड हैं। तो बस इसको मैंने अभी पलटा है, और जैसे ही इसका पीछे से भी इस तरह का कलर होता है तो मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये देखें कटलेट जो है हमारे तैयार हो गए, और माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने से। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो एक मैं आपको जो है इसको कट करके भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा है। तो ये देखें मैं दिखाती हूँ, अभी बहुत गर्म है ये। तो ये देखें कितना चीज़ी और कितना यमी यमी ये बना है। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और पूरी फैमिली को ये बहुत पसंद आएंगे। तो आप लोगों ने ट्राई करना है इसको, और मुझे बताना है कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक और सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।